नमस्कार। इस हाथ के बारे में बात परे करें, ये एक रशियन महिला का हाथ है और क्योंकि ये एक कार्यरत महिला है, सर्विस करने वाली है, तो उम्र के हिसाब से, वैसे गणित के हिसाब से जो होता है वो इनका राइट हैंड ही बनता है। इसके बारे में मैं विशेषण करने जा रहा हूँ। तो चलिए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। ये आपकी कनिष्ठ उंगली, और कनिष्ठ उंगली पर यदि मैं ये देखता हूँ तो ये इस प्रकार की, यहाँ सूर्य के फर्स्ट ये जो कट है, जो सन उंगली पर इसके जो पहला कट है, इसका ये हाथ की उंगली यहाँ पहुँच गई है। इस उंगली का ये इस पर्व तक पहुँचाना इस बात को बताता है कि इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, इनके पास बुद्धि शैली बहुत अच्छी है, इनके दिन जीवन के अंदर कर भाषा शैली बहुत अच्छी है, इनकी वाणी में मधुरता है। तो यानी कुल मिलाकर के जो एक अच्छे गुणों की उंगली होनी चाहिए वो है। लेकिन नीचे के ये जो थर्ड पर्व है, ये इस पर कुछ कट के निशान हैं, ये थोड़ा सा चिंता दिखलाते हैं धन से संबंधित। तो चलिए इतना ही बार समझें। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली, सम्मान की उंगली, राज्य सरकार से लाभ की उंगली, ये इस प्रकार की चीज़ों को निपटाती है। यानी राज्य सरकार की अगर नौकरी हो या किसी चीज़ हो तो उससे अगर लाभ पाना है तो यहाँ वो जो रेखा हाथ के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर जब इस प्रकार के कट यहाँ पर मौजूद हैं तो ये वर्तमान में भी यहाँ की भागदौड़ को रोज दर्शाते हैं। ये भागदौड़ का पर्व होता है, यानी कि सूर्य का इन्वॉल्वमेंट जब आएगा तो दूर से भी संबंध बनाएगा और भागदौड़ से भी संबंध बनाएगा। तो इनके जीवन शैली में भागदौड़ है और ये तो सबके में भी है, इनके में कुछ ज़्यादा ये महसूस करते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली और ये धन का पर्व जाना जाता है। यानी कुल मिलाकर के अत्यधिक जो संघर्ष करने वाली उंगलियाँ होती हैं, जो जड़ टर्न हो जाती हैं, वो हाथ पैरों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। यानी एक मजदूर की इस उंगली में ज़्यादा टर्न मिलेगा या एक प्रोफेशनल वर्क करने वाले की उंगली की अपेक्षा। यहाँ पर आपके व्यावहारिक पर्व पर जो है वो भी कट के निशान है। यानी कुछ चिंताएं ऐसी ज़रूर हैं इनके पास में, जो इनका ध्यान जो है वो धन की तरफ है, यानी कि धन की आवश्यकता जिसको ये अपने जीवन में मानती हैं, कोई इनका टारगेट इन्हें चिंतित किया हुआ है। आइए बात करता हूँ यहाँ ये बृहस्पति की उंगली और ये बीच का गैप। ये वो गैप है जो जीवन में ये सेकेंड पर्व और थर्ड पर्व, जिसकी वजह से इनके जीवन में इनको तलाक का सामना करना पड़ा। तो ये उस चीज़ को दर्शाता है, साथ ही साथ ऊपर के पर्व में टच कर लिया, ये अच्छी बात है शनि पर्व को, यानी कि दया भावना, दान पुण्य, अपने इष्ट के लिए पूजा करना, वो सभी गुण इनके पास में मौजूद हैं। ये नीचे वाला जो गैप है ये सेकंड पति के लिए कैसा होगा ये मैं अभी बाद में देख कर ये बताऊँगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व ज्ञान का पर्व, और बुध का पर्व यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए भी माना जाता है। इनकी विवाह रेखा इतनी आगे चली गई और इसको इतनी सारी रेखाओं ने काट दिया, यानी कुल मिलाकर के विवाह रेखा ग्रसित हुई, यानी कि इनका संबंध विच्छेद हुआ। साथ ही साथ यहाँ 3 से 4 रक्तों खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, तो ये अपने आप में बताती हैं संतान के सुख सहयोग को और धन के आगमन को। परंतु ये जब कट लग जाता है इस प्रकार का, तो ये धन का पर्व है, तो इस पर ग्रहण भी माना जाता है, हो सकता है एकाद अवर्षण का भी सामना करना पड़ा हो। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और अनुकूलता से यहाँ पर यदि देखें तो ये रेखा खड़ी हुई है। जब इस प्रकार की रेखा यहाँ मिल जाएं और नीचे ट्रायंगल्स भी बनने लगें तो ये निश्चित बात हो गई कि जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करेंगी वहाँ इनकी अच्छा खासा सम्मान होता है। कुल मिलाकर के अगर ये अपने जीवन में ऐसी मेहनत इनका सिस्टम होता हो कि सरकार के उपक्रम में काम करने का, तो उसमें भी काम करने का मौका इनके पास, यानी वो रेखा भी मौजूद थी, तो अच्छे सेक्टर में नौकरी करने के जो योग होते हैं वो इनके पास में मौजूद हैं। अब बात करूँगा इसके पास इनके धन पर की। धन का पर्व और धन के पर्व पर ये रेखाएँ अपने आप में यहाँ ट्रायंगल्स का बन जाना, खड़ी रेखाओं का बन जाना, ये इस प्रकार से साथ ही साथ ये बिल्कुल वो पक्की रेखाएं हाथ के अंदर बन गई हैं जो जीवन के अंत समय तक ये इनको धन के आगमन प्राप्त कराती रहेंगी। तो ये अच्छे इंडिकेशंस मिले। जो आड़ी रेखाएं हैं वो इस बात को बताती हैं कि जो धन के जो ज़रूरतें हैं, यानी लग्जीरियस जीवन की तरफ पूरी तरीके से आकर्षण के साथ खर्च इनका अंत समय तक भी बना रहेगा।
आइए बात करूंगा आपके नेक्स्ट पर्व के बारे में। ये पर्व आपका बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति के पर्व पर एक बहुत बड़ा स्टार बन गया है, यानी कुल मिलाकर के ये स्टार बहुत अशुभ संख्या में माना जाता है। जब ये नक्षत्र ये वाला स्टार यहाँ पर बनता है, यहाँ अगर केवल क्रॉस का चिन्ह हो तो शुभ माना जाता है, लेकिन जब ये स्टार बनता है तो इस क्षेत्र के क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर एक, वैवाहिक जीवन के लिए। दूसरी बात, संतान में लड़का ना होने के लिए। तीसरी बात, यहाँ पर जो मकान है व्यक्ति का जो अपना है उसमें बहुत कठिनाइयों के बाद सामना करने के बाद मकान का बनना, ऐसी स्थितियों के लिए बृहस्पति पर्व है। लेकिन इससे ज्ञान की रेखा शनि पर्व को काफ़ी जा रही हैं, जो इस बात को बताती है कि आपके पास आपकी बुद्धि से आप धन के आगमन तो बनाती रहीं। ये खड़ी हुई रेखा जो अंदर की तरफ लगातार रेखाएं ये जो जा रही हैं इनका मतलब ये होता है। अब बात करता हूँ इसके बाद सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा कितनी बुरी तरीके से पिछले समय में आपकी कटी हुई है, यानी कुल मिलाकर के विवाह का लेट होना या विवाह से संबंधी अगर बात करूं तो दिक्कतों का आना और इस पर्व का बृहस्पति तक पहुंचना तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ कहलाता है। हृदय रेखा का संबंध बृहस्पति के साथ जब जब बन जाता है तो ये पक्का तो नहीं लेकिन ये इस बात को जरूर दर्शाता है कि पति से वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ेगा और उसकी पीड़ा हृदय को झेलनी पड़ेगी, यानी मन में काफ़ी दुख, काफ़ी टेंशन, काफ़ी झगड़े झंझट के बाद इनको वो सब जो डाइवोर्स वाली चीज़ें वो बहुत कष्टों के बाद इनको मिलती है, आसानी से ये सब कुछ मिलता भी नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ से मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएँ। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएँ हमारे इंडियंस के अनुसार, और ये रेखाएँ यहाँ निकलती हैं तो ये साहसिक रेखाएँ होती हैं, और इंडियंस ने ये सभी के लिए कई बार मैंने देखा है जब इस तरह की रेखाएँ निकलती हैं तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल हुनर भी व्यक्ति के अंदर होता है, और उस टेक्निक माध्यम के द्वारा ये शनि पर्व को पहुँचने वाली रेखाएँ धन खिलाती हैं, सूर्य पर्व को पहुँचने वाली रेखाएँ यहाँ पर यश सम्मान दिलाती हैं, यात्राएं दिलवाती हैं, और बुध पर्वत को पहुँचने वाली रेखा धन के आगमन उत्पन्न कराती है, यानी कि काम करती हैं, कार्य करने में पीछे नहीं है, मेहनती हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा द्वितीय पर्व मंगल की। द्वितीय पर्व मंगल, और यहाँ पर एक दीप बन के चला गया इस जगह पर, ये मंगल रेखा पर, यानी कि आपको मंगल रेखा से जब कोई रेखा निकले तो जहाँ साहस प्रदान करती है वहीं मुकदमों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सिंबल पिछले समय में होकर के इनके हाथ से ख़त्म हो गया। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए इनकी बुद्धि रेखा की बात करें तो यहाँ बुद्धि रेखा आकर के, और बुद्धि रेखा एकदम सीधी जाकर बुद्ध पर्वत के अंदर पहुँच गई, यानी कि दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जुनून है कि मुझे अपने दिमाग में धन कमाना है, योजनाओं के द्वारा धन कमाना है, मुझे मेहनत से धन कमाना है, क्योंकि मंगल पर्वत को भी ये रेखा जा रही है। तो अपने दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ धन के द्वारा अपने आप को एक बहुत प्रकट स्थिति में खड़ा करना, ये इनका जुनून है। तो ये सबसे ज़्यादा इनके दिमाग में रहता हो कि मुझे अगली बार ऐसा कुछ नहीं करना जो मैं अपने जीवन में कुछ भी धोखा खा पाऊँ, तो पहले ही अपने टारगेट को धन एकत्रित करना चाहती हैं जो अपनी बुढ़ापे तक की सिक्योरिटी के लिए। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके इसके बाद में नीचे के चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर इनकी ये देखिए कितनी सारी रेखाएँ, यहाँ चंद्र पर्वत पर जाकर के दोनों ही पर्वत और रेखाओं पर देखता हूँ तो बहुत बुरी तरीके से ये रेखा यहाँ पर एक दूसरे को काट करके चलने वाली रेखा है, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें तो बहुत टेंशन है, बहुत मानसिक चिंतन है, बहुत भागदौड़ है, यहाँ इस तरह की ये रेखाएं हैं, और जब ज़्यादा चंद्र पर्वत को पीड़ित करती हैं तो ये रोगों को भी संकेत देती हैं। तो कुल मिलाकर के जब ऊपर को खड़ी होती है तो ऐसी स्थितियों से व्यक्ति निकल भी जाता है। तो ये सब कुछ है नीचे के चंद्र पर्वत तक, ये सब रेखाएँ बनी हुई हैं, नीचे तक भी बनी हुई हैं। तो चलिए ये चंद्र पर्वत, मैंने बहुत प्रयास किया कि आप बहुत अच्छे से अच्छा रेखा भेजें, लेकिन जितनी भी अच्छी मुझे चमक रही हैं उनके फल मैं बताता हूँ। आइए बात करूँगा आपके यहाँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये खड़ी रेखाएँ, यानी कि भाग दौड़ के द्वारा धन कमाने वाली रेखाएँ। अब बात करूँगा इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा देखिए, एक भाग्य रेखा तो ये है, ये क्या है, पिता से, माता पिता से यानी सपोर्ट मिलने वाली रेखा। एक क्या है, जहाँ जन्म स्थान है उससे दूर से जा कर के भाग्य बनाने वाली रेखा, यानी कि जहाँ जन्म स्थान है उससे दूर जा कर के स्वयं की नौकरी करना,
इस प्रकार की रेखाएं, यहाँ मुझे आपकी भाग्य रेखा गए, लेकिन मुझे पढ़ना है आगे के सवालों को, तो सवाल पे मैं ज़्यादा टारगेट कर लेता हूँ अब ध्यान अपना, क्योंकि तो रेखाओं के झमेले से आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सवाल को क्लियर करके पूरा गणित मेरे पास है अलग कागज़ पे, तो मैं बता देता हूँ आपको। कैरियर, जॉब और मनी, निश्चित रूप से इनका कैरियर आगे चलता रहेगा। इनकी उम्र जहाँ 47 वर्ष है, ये यहाँ रेखा कट रही है 45 वर्ष है, और जहाँ से दूसरी रेखा चल रही है ये 45 से आगे की ही दोनों रेखाएं इनके पास में हैं। और ये दूसरी समाज करने वाली, शादी राहु स्थान से निकलने वाली, अचानक धन कमाने वाली, यहाँ इस तरह की रेखा इनके पास काफ़ी इनको सपोर्ट करने वाले आने वाले समय में लोगों के द्वारा वो रेखाएँ यहाँ पर मजबूत हैं। तो जो मंगल पर्व से निकले वो माता पिता के लिए भी कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कैरियर, जॉब और मनी, बिल्कुल निश्चित रूप से कैरियर चलता रहेगा इनका, इसमें कोई भी शक नहीं है, आगे इनका कैरियर चलता रहेगा, अभी भी अच्छा चल रहा है इनका कैरियर, तो कैरियर जॉब ठीक चलती रहेगी। जो धन की हैं वो धन भी ये निश्चित रूप से कमाती रहेंगी। अब बात आ गई कि जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स कैसे हैं, चलो वो बताऊँगा बाद में। रिलेशनशिप, मैरिज, स्टेबिलिटी, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ अगर हृदय रेखा का संबंध में बताता हूँ तो मंगल रेखाओं से कई रेखाएँ हैं, ये हमारा एक गुणन होता है जिसके द्वारा मैंने रेखाएँ है देखी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप 2021 के मध्य से लगभग जून के बाद शादी करें करना चाहें इनसे कोई भी, तो ये उससे विवाह कर सकती हैं, क्योंकि जून के 2021 के बाद में इनके ये अच्छे चांस बने हुए हैं, और जो दो साइड दो ढाई साल तक के लिए हैं, तो उसके बाद यदि इनका किसी से भी विवाह होगा तो उसके साथ इनके प्रेम संबंध अच्छी प्रकार से चलेंगे। अभी ये थोड़ा सा टेंशन में है, तो मुझे लगता है कि 2021 के मध्य से वो स्थितियाँ अनुकूल होने वाली हैं, और फिर वो शादी, स्टेबिलिटी भी एक जगह रहेगी, स्टेबिलिटी ठीक रहेगी उसकी, और रिलेशनशिप भी अच्छे रहने वाले हैं इनके, तो प्यार इनको ठीक तरीके से मिलने वाला है, बस जून के 2021 के मध्य से वो योग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उसमें विवाह का, दूसरे विवाह का योग। चलिए रिलेशन विद डॉटर, संतान रेखाओं का के द्वारा हम जान पाते हैं कि बच्चों से संबंध कैसा रहेगा। बृहस्पति में इनके ऊपर मैंने बताया था कि वो स्टार था, तो वो लड़के जैसा चिन्ह नहीं है इनके पास में, लेकिन जहाँ तक संतान के सहयोग की बात है तो निश्चित रूप से मुझे एक ही संतान की रेखा बड़ी मुश्किल से दिख रही है कि संतान इनके पास एक ही रहने वाली है, और उसका भी सहयोग इनको मिलने वाला है। पेरेंट सपोर्ट के लिए मैंने बताया था आपको कि शनि की उंगली और सूर्य की उंगली आपस में दोनों चुपकी हो चुपक जाती हैं, जब मिल जाती हैं कोई बीच में गैप नहीं रहता है, तो ऐसी महिला या ऐसा पुरुष यहाँ जीवन के अंदर अपने माता पिता को सपोर्ट करता ही करता है और सेवा कर भी पाता है, तो ये भी पक्का है। आइए हेल्थ इशू की बात कर लें। बिल्कुल हेल्थ इशू के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा केतु स्थान पर चलता हूँ। यहाँ इस तरह देखिए, यहाँ केतु स्थान का भी इन्वॉल्वमेंट वो खराब रेखाओं के साथ में है, मौजूद है, यानी कि सबसे ज़्यादा इनको ध्यान करना होगा, तो वो अपने निश्चित रूप से जो इनकी जो सेहत के लिए वो काफ़ी इशूज़ खराब हैं, जो आयु रेखा पर भी नज़र आ रही हैं, तो ये यहाँ पर काफ़ी सारी रेखा होंगी इस जगह पर, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएँ, और ये उन्नति की रेखाएं, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ पाटने वाली ज़्यादा, जो रोग को दर्शित करती हैं, तो इस प्रकार की रेखाएं। प्रॉपर्टी के लिए बता देता हूँ आपको, 2021 से 2024 के बीच में निश्चित रूप से ये कोई ना कोई ज़मीन खरीदने जा रही हैं, तो 2021 से 2024 के बीच में इनके पास प्रॉपर्टी का योग भी है। तो ये सब मैंने इनके सवालों के जवाब दे दिए। अब बात करता हूँ थोड़ा शुक्र पर्व की। अभी शुक्र पर्व थोड़ा सा पीड़ित है, यानी कि अगर जब इस तरह का यहाँ देखें तो थोड़ा थोड़ा ये दूषित क्षेत्र जो मैंने देखा है यहाँ, उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इसको बोल देते हैं हमारे यहाँ भाषा में सर्जरी चिन्ह, लेकिन वो सर्जरी चिन्ह से मतलब मेरा होता कष्ट के चिन्ह, तो यानी कि जीवन में सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं से अंदर से निराशा, तो वो शुक्र को इन्वॉल्वमेंट करती है, तो संसाधन तो ठीक ठाक इनके पास है। बात करता हूँ यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और इनकी लगातार बहुत सारी रेखाओं से धुंधला करके कटती हुई चली है, जहाँ इनकी आयु का ये 47 से 48 वर्ष पहुँचता है वहाँ तक यहाँ डॉटेड डॉटेड बहुत सारी रेखाओं ने
या इस तरीके से इनको रेखाओं को काटा, जिसकी वजह से इनके जीवन में काफ़ी कष्ट रहा। ये वाला पीरियड इसको बोलते हैं 48वें वर्ष तक, यानी 48वें वर्ष से इनकी अनुकूलता के साथ स्थिरता है, जिसमें इनको काफ़ी कुछ सुख का अनुभव होने वाला है। तो ये यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा भी अभी 73-74 वर्ष की आत्म है, आगे भी ये रेखाएँ बन जाती है। ये एक मंगल रेखा है, संजीवनी रेखा, जिसने इन्हें पिछले समय में बहुत ज़्यादा मुसीबतों से इनको टिका कर रखा, इनको संभाल करके रखा। तो ये मैंने आपकी सभी रेखाओं के बारे में बताया, और यदि ये कोई रिंग पहन सकती हैं तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनको आप एक बेहतरीन सा जो है यहाँ पर पुखराज पहना दीजिएगा, श्रीलंकन पुखराज यहाँ पहनाइए। इनको मानसिक शांति देगा, साथ ही साथ इनके वैवाहिक सुख को देगा, और इनके कार्यों में, इनके कामों में इनको प्रगति देगा। तो यहाँ ये चीज़ इनका जो रत्न बनता है वो आप इनको पहना सकती हैं। तो चलिए, मैंने आपकी जितनी भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फ़ोटो आपने भेजा, और जितना अच्छे से अच्छा मुझे चमक सका मैंने प्रयास किया है आपकी रेखाओं को बताने के लिए। तो बस इतना इनको पहनिए। अगर ये कोई पूजा पाठ कर लेती हो, मान लिया हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इनको सिर्फ देवी कवच पढ़ाएँ या देवी कवच सुनाएँ। बस इतना करिए, जीवन में सुखी संपन्नता इनको प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।